तो दोस्तों राजा दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था, तो इसीलिए सिंह ऋषि बाबा के पास आए थे। तो सिंह ऋषि बाबा ने यज्ञ कराए थे, तो यज्ञ से खीर निकला। तो राजा दशरथ जी की तीन पत्नियां थी, तीनों पत्नियों को ले जाकर खीर खिलाए थे राजा दशरथ जी ने। तो राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जय श्री राम दोस्तों, शिवा अयोध्या ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम चलेंगे आपको सिंह ऋषि लेके जहाँ पे यज्ञ हुआ था श्री राम जी के जन्म के लिए, तो चलते हैं आपको लेकर। तो दोस्तों हम टांडा वाली रोड से होते हुए चल रहे हैं, आपको सिंह ऋषि ले चलते हैं जहाँ पर श्री राम जी के जन्म के लिए यज्ञ हुआ था। तो अभी आपको ले चलते हैं, अभी दिखाएंगे पूरा। अभी रोड पर है, टांडा वाले रोड से होते हुए चल रहे हैं। ये आप सामने देखिए, ये सिंह ऋषि द्वार है। ऐसे सीधे चलेंगे तो सिंह ऋषि पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों सिंह ऋषि आश्रम नदी के किनारे ही है, तो वहां पर आपको ले चलकर अभी वहां का दृश्य दिखाते हैं। तो दोस्तों ये आप देखिए, जो रोड आपको दिख रहा है ये इसका भी चौड़ीकरण किया जाएगा। तो दोस्तों सिंह ऋषि जाने के लिए ये आगे पोस्टर लगाया गया, कुछ आगे आएंगे आप तो ऐसे ही पोस्टर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बगल में चलेंगे अभी, तो चलते हैं। चलिए ये प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं, ऐसे ही बनाया गया है। तो हम लोग थोड़ा अंदर चलते हैं आपको लेकर। बहुत ज्यादा दूर नहीं पहुंचने वाला है, पहुंच चुका हूं आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा सिंह ऋषि के आश्रम में आता है। तो ऐसे ही मार्केट यहाँ पे लगे रहते हैं रोज, यहाँ पे भीड़ होता है काफ़ी ज़्यादा ना, इसीलिए लगा रहता है ऐसे ही मार्केट। आप इस साइड देख सकते हैं ये, और ये मंदिर देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पुरानी मंदिर है, तो आपको पहले मंदिर दिखा देते हैं, फिर आपको सिंह ऋषि बाबा का समाधि स्थल दिखाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे बड़े भैया हैं, ये हमारे बड़े भैया यहाँ के बारे में बताएंगे। तो भैया जी बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे शनिदेव जी का मंदिर है जो काफ़ी पुराना है, आप सबको ले चलकर अंदर से दिखाते हैं पूरा। तो दोस्तों आप सबको पास से चलकर दिखाते हैं एकदम, यहाँ देख सकते हैं ऋषि आश्रम सेरवा घाट, इधर अंदर में शनिदेव जी की मूर्ति है। दोस्तों अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, आपको लेकर चलते हैं। शिव जी का मंदिर है, आपको दिखाते हैं, उसमें शिव भगवान का शिवलिंग रखा गया है। ये चलकर आपको अंदर में दिखाते हैं। तो दोस्तों आपको सिंह ऋषि बाबा का समाधि स्थल अभी दिखाएंगे, ये यहीं पर बना है। तो सीधे अभी अंदर में चलेंगे तो आपको दिखेगा समाधि स्थल सिंह ऋषि बाबा का। तो ये आप देख लीजिए, ये सिंह ऋषि बाबा का समाधि स्थल है। तो दोस्तों राजा दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था, तो इसीलिए सिंह ऋषि बाबा के पास आए थे। तो सिंह ऋषि बाबा ने यज्ञ कराए थे, तो यज्ञ से खीर निकला। तो राजा दशरथ जी की तीन पत्नियां थी, तीनों पत्नियों को ले जाकर खीर खिलाए थे राजा दशरथ जी ने। तो राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ था।
तो दोस्तों ये समाधि स्थल के परिक्रमा करने के लिए ये बनाया गया है। बगल में ऐसे ही बनाए गए हैं, आप जैसा देख सकते हैं ये ऐसे ही बगल में बनाया गया है। और आप इस साइड आपको दिखा देते हैं, ये पूरा सरयू नदी है। ऐसे मतलब सरयू नदी के किनारे ये सिंहदेसी बाबा का आश्रम है। और आपको इस साइड दिखा देते हैं, मतलब दूर दूर तक पूरा नदी ही आपको दिखेगा। इस साइड आप देख सकते हैं ये बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। तो दोस्तों ये क्या चीज़ है हमको नहीं पता है, आपको पता होगा तो कमेंट में आप बताइएगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये तैयारी की जा रही है, सरयू तट पे अभी आती होगी तो आपको जरूर दिखाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही रोज आती होती है शाम के टाइम में, तो आसपास के जितने लोग होते हैं तो आरती में आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।